हेलो, मैंने तुमसे लाइन कर दी। नहीं तो मैं नेविगेशन मिशन पे लाहौर आया था, तो क्या टेलीफोन कर लूँ? अच्छा किया। नहीं आनी, ये बात नहीं है, लेकिन एक घर को बचाने के लिए एक और घर बेच दें अच्छा नहीं लगता। एक का दुखी काफी है। नफरत तो आपके अंदर है डॉक्टर अहमद। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जिन लोगों को हम आसमानों पे बिठा देते हैं, वो जब मुंह के बल जमीन पे गिरते हैं ना, तो चोट हमें खुद लगती है। तुम ये काम सिखा सकोगी? कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है। बहुत सी औरतें पढ़ाई करती हैं ना, गरीब औरत के पास और होता है क्या? ओ बाय द वे, मैं हीरा हूँ, हमारा तारुफ नहीं हुआ था। आपके घर वाले ये समझते हैं कि हम दोनों की मम्मी हो चुकी है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ऑनेस्टली। मैंने खुद बुलाया है, पहले मुझे हफ्तों तक घूरा, फिर तीन जरब सात मरतबा मेरा नाम इस तरह लिया जिस तरह देवियों को बुलाने का तरीका किताब में लिखा है। आहिस्ता बोलना होगा, मिस्टर एलिफेंट है ना, उसके पेट में बहुत दर्द है। उसका पता है आपको, आज ऑपरेशन होना है। उसके पेट में ना इतना बड़ा चूहा है। मैं भी शहर में तुम्हारी वजह से वाली, मुझे लगता है मैं किसी खास लम्हे का इंतजार कर रही हूँ, खास फैसले का। माइंड मत करना, लेकिन मुझे तुम्हारा कभी यकीन नहीं आया। मैंने तुमसे कब कहा था कि तुम इन बेजान चीजों की हिफाजत करो दानियाल? ये मेरी मानते नहीं है, मेरी अमानत सना है, तुमने उसको तो कभी इतनी तवज्जो नहीं दी। आर मेन मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन? दैट इज द टॉपिक ऑफ आवर डिबेट टुडे, एंड आई नीड टू ऑफ यू टू कम आउट हियर। मम्मी आपको पता है मैं आजकल कहीं नहीं जा सकती। बेटा तुम्हें आजकल ही कहीं पर जाना चाहिए कुछ दिनों के लिए। मम्मी एक दफा भागी हूँ, दोबारा नहीं भागूंगी। सोच रही हूँ कि मैं अपने कमरे को साउंड प्रूफ कर दूँ। रबिया, घर और क्लिनिक में बहुत फर्क है, घरों के कमरे साउंड प्रूफ नहीं हुआ करते। ये मुझसे उम्मीद ना रखिएगा कि मैं आपको खिलाए बगैर चली जाऊंगी। दो सवाल पूछने आपसे, पहला ये कि आप अपने हाथों से खाएंगे या मैं आपको खिलाऊं, और दूसरा आप ज़ारा की बर्थडे पे क्यों नहीं आए? वैसे इस गुड लुकिंग आदमी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई एम श्योर न्यूयॉर्क में बहुत सी लड़कियाँ होंगी। लेकिन अगर वो आदमी सिर्फ आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हो तो? ताजमहल का रंग क्यों बदल गया फिर? मेहर रफीकुल्ला सैयद, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी जायदाद लूटी, कब दौलत खत्म हुई। आप बुलाएं और मैं ना, ऐसा कभी हो सकता है? ठीक है, तो तुम अभी रेस्ट करो, शाम को जल्दी आ जाना। हाँ, काफी अरसा हुआ कि हम इकट्ठे हुए, खूब बातें करेंगे। उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, उसी की वजह से तो मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। अच्छा सैफ, प्लीज टेक मी टू हिम। अगर इस घर में मिट्टी के तेल का चूल्हा जला या तेल की बदबू फैली, तो नफासत अली खान तुम अपने कफन दफन का इंतज़ाम खुद कर लेना। बड़ी आपा, आप गवाह हैं, मैंने आशर और अदन में कभी फ़र्क नहीं किया और किसी और को भी ये फ़र्क नहीं करने दूंगी। इतना भी गलत नहीं है बीबी, घर की पहली खुशी है, और राबिया पहली मिठाई एक बेवा के हाथ। देखो तुम्हारे घर में ये सब बातें होती होंगी, हमारे घर में ऐसा नहीं होता। लेकिन इतनी जल्दी? नहीं जुनैद, आई थिंक ये अच्छी बात है, अगर साजिद सेटल होके वहां जाना चाह रहे तो व्हाई नॉट। मीडिया कवरेज से ज्यादा मुझे अपने पार्टी के टिकट की जरूरत है। तुम एक काम करो, इनॉग्रेशन पे हमारे पार्टी के चेयरमैन को बुला। क्या हो गया अम्मी? मैंने आप ही को बताया तो था कि मैं दोस्तों के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। बंद करो अपने ये सैर सपाटे, और खबरदार आइंदा कॉलेज से तुम कहीं गई। क्या है अम्मी? और उस वक्त इनकार करने की वजह भी याद है जलाल, रिश्ता तय करने से पहले लोग लड़की के घर का माहौल देखते हैं, और आपको याद है उस दिन हमारे घर का माहौल क्या था? आज तक मैं इस गलत फहमी में थी कि तुम मुझे अपनी माँ समझती हो,
इतनी बड़ी खबर, ऐसी रिपोर्ट तो अपनी माँ से छुपाती।